हम इनको आगे नहीं आने देंगे। यही अंग्रेज भी सोच लेकर आया था कि हम इनको खत्म करेंगे। एक दिन में 300 लोगों को फांसी दी, उलमा को, मशायख को, अवाम को, सियासी कायदीन को, ज़ुअमा को, बड़े बड़े सरदारों को, और जो उस वक्त के जंगी आजादी के मुजाहिदीन थे, 300 को एक दिन फांसी घाट पर बैठाया गया। जब फांसी घाट खत्म हो गए, दस्तों के ऊपर नीचे से ऊँटों के ऊपर बिठा कर, हाथियों के ऊपर बिठा कर बनाया गया, बड़े बैंड के साथ उनकी गर्दनें शायद पर लटक जाती, बड़े बड़े जुल्म किए, लेकिन हमारे बड़े अपना हुलिया बदल कर इस वतन से भागे नहीं। 50 रुपए के इस्लाम लेकर इस वतन से भागे नहीं, बल्कि कहा है मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तोहफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी जो चाहो खत्म कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि वो जो शिकायत थी शाहों के तलब से भी दम कर रहा हूं मैं। आखिर किस बार गाय खास कर रहा हूं मैं। मैंने कहा शाह साहब ये दिन गुजर जाएंगे, हक में रहो और के सामने भी दरहाब भी पढ़ देता हूँ। केवल अपने थे तो हमने कहा था अपने माता जी का सुना हुई कि पानी है बाबे तर्क की कुर्सी, पानी है अरबाबे तर्क की कुर्सी, कायम कायम है हजरत अब की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, वजीर खारजा हो, है जी कोई भी हो, गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, दीमक के लपेट में है सबकी कुर्सी। आज भी कहता हूँ उन उनको जो घरों के हाथों में खेल रहे हैं कि अपनी हक में रहो, वो जुल्म न ढाओ, वो गलतियां हर जगह में करो जो इमरान खान ने की है। आज भी रिवायात की अख्तार को बराबर रखो, आज भी अपनी अख्तार को सियासी अख्तार को बराबर रखो, कोई बात नहीं। ये देश गुजर करते हैं, हमने जुल्म सहा है, हमने 5 क्रैकडाउन बर्दाश्त किए हैं, हम हर उस चीज से गुजरे हैं। ये तो बेचारे चंद दिन छोड़ने की क्या बात करनी है, ये कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा और जितने महीने हमने और हमारे बुजुर्गो और कारकुनान ने जेले गुजारी, जितने महीने ये तो बेचारे इतने दिन भी निकाल सके और चले थे आजादी।